गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम साइंस के अंदर 6 चैप्टर अस्थि एवं संध्या। कल तक हमने अस्थियों के प्रकार और उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में जो संध्या हैं, मानव शरीर में जितने भी जोड़ हैं उनके प्रकारों के बारे में। पहला है हमारे शरीर में कंधे का जोड़, यानी कि जो हमारे गर्दन के जो ठीक नीचे जो कंधे होते हैं वहाँ के जोड़ के बारे में। इसे ह्यूमेरो स्कैपुलर जोड़ भी कहते हैं, यानी कि जो कंधे का जोड़ है उसको ह्यूमेरो स्कैपुलर जोड़ के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ये जो जोड़ है इसमें स्कैपुला और जो ह्यूमर की जो अस्थि होती है वो आपस में एक दूसरे से यहाँ पर आकर जुड़ी रहती है। या यूँ कहा जाए कि जो कंधे का जोड़ है हमारा, वहाँ पे स्कैपुला और जो ह्यूमर की अस्थि है वो इसी बंध में आकर जुड़ती हैं, यहाँ से बंधी रहती हैं। इसमें ह्यूमरस का सिरा अच्छी तरह स्कैपुला के ग्लेनॉइड में फंसा रहता है, जिससे कि ह्यूमरस में आसानी से घूम सकता है, यानी कि उसका मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सकता है। या यूँ कहा जाए कि हम अपने हाथ को आगे पीछे ऊपर इधर की तरफ उस साइड में किसी भी दिशा में घुमाने की अच्छी तरीके से कोशिश कर सकते हैं या घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें गति प्रदान करी जाती है, जिससे कि ह्यूमरस में आसानी से घूम सकता है। इसका जो जोड़ होता है वो गेंद गड्ढा जो हमने कल पढ़ा था संधि, उसी के समान होता है, ताकि वो इसमें इस तरीके से आसानी से घूम सकता है। अब जो हमारे शरीर का जो जोड़ है वो इस तरीके से है कि इसके बीच में गद्दी तल पाया जाता है, और इसी गद्दी तल के बीच में ये आसानी से घूम सकता है, और इसमें तरह का द्रव पाया जाता है या स्त्राव कहे वो पाया जाता है, ताकि इसमें इसमें चिकनाहट बनी रहे और इनको आसानी से घूमने के लिए सहायता मिले। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रगड़ वगैरह जो है हम नहीं देख पाते, जो रगड़ नहीं होती है, और जो दो अस्थियां हैं वो आपस में एक दूसरे से निश्चित थोड़ी सी दूरी को लिए हुए बनी रहती हैं। दूसरा जो है हमारा है कोहनी का जोड़, यानी कि जहाँ से हमारी कोहनी जो है जुड़ी हुई है, इसमें ह्यूमेरो अल्नर जोड़ के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमरस और जो हमारी अल्ना जो अस्थि हैं वो दोनों इसमें आकर जुड़ती हैं, इसलिए इसको ह्यूमर अल्ना जोड़ भी कहते हैं। इसका जो निचला सिरा है वो अल्ना के ऊपरी सिरे से चूल संधि के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि ऐसा कहा जाए कि जो हमारा जो हाथ का नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपरी पोर्शन यानी कि चूल संधि के माध्यम से आसानी से जुड़ा हुआ है। तीसरी हमारी है रेडियो अल्नर जोड़। रेडियो अल्नर जोड़ में दो चल संधि होती है, एक तो होती है सुपीरियर और दूसरा होती है इन्फीरियर। इसके अंदर जो दो हैं सुपीरियर संधि, दूसरी होती है इन्फीरियर संधि। ये दो संधियां इसके अंदर पाई जाती हैं। अब जो इसमें इन्फीरियर जो होती है वो रेडियो अल्नर जोड़ में रेडियस का जो निचला सिरा होता है वो अल्ना के सिरे के इस तरफ फंसा हुआ रहता है, यानी कि इसके साथ में जुड़ा रहता है। यह आसानी से घूम सकता है, यानी कि इसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नर जोड़ में इन्फीरियर रेडियो अल्नर की अपेक्षाकृत कम गति होती है, यानी कि जो सुपीरियर संधि है वो इन्फीरियर की अपेक्षा थोड़ी कम घूर्णन करती है, पूरी तरीके से गति नहीं कर पाती है। फिर अगला जो हमारा है वो है कलाई का जोड़, यानी कि जहाँ से हमारी हथेली और हमारा हाथ जो है जुड़ा रहता है उसको कलाई का जोड़ भी कहते हैं। इसे रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से भी कहा जानते हैं। कॉन्डिलॉयड संधि का निचला सिरा कार्पस के ऑर्टिकुलर डिस्क के साथ के अल्ना के सिर के नीचे से संधि करता है, यानी कि इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अगला हमारा है हाथ और अंगुलियों के जोड़, यानी कि जो हमारे हाथ हैं और जो हमारी अंगुलियां हैं वो आपस में जहाँ से जुड़ी रहती है, यानी कि जो अंगुलियों के ये जो सिरे हैं जो हमारी हथेली से जुड़े हुए हैं वो इस जोड़ से जुड़े हुए रहते हैं। कार्पल अस्थियों के बीच कार्पल तथा मेटाकार्पल अस्थियों के बीच में मेटाकार्पल अस्थियां और फेलेंजेस के बीच और स्वयं फेलेंजेस के बीच का जोड़ पूर्ण चल संधि के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि पहला हम इसके अंदर देख सकते हैं, पहला है कलाई अस्थियों के बीच का जोड़, जो कलाई है और जो हमारी अस्थि है उसके बीच के जोड़ को जैसे
इसमें फिसलने वाला संधि द्वारा कार्पल का चपटा एवं चिकना सिरा एक दूसरे चिपटे एवं चिकने सिरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें एक चिकना और एक चपटा सिरा दूसरे पर आसानी से फिसल सकता है, यानी कि इनकी जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से पाई जाती है कि इसमें जो दो अस्थियां हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी रहती हैं कि वो आपस में एक दूसरे को आसानी से फिसलने के लिए या हिलने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट अगर देखी जाए तो वो नहीं आती हैं और वो आसानी से किसी भी दिशा में हम उसको मूवमेंट करके देख सकते हैं या हमारे जो अस्थि वाले सिरे हैं उनको हम आसानी से घुमा सकते हैं। अब जो ये अस्थि है वो इसको कॉन्डिलॉयड अस्थि के नाम से जाना जाता है, कॉन्डिलॉयड अस्थि भी इसको कह सकते हैं। इसकी बनावट इस तरीके से रहती है। फिर जो दूसरा है वो है हमारा कलाई और हथेली का जोड़ जो है। कलाई और हथेली का जोड़ में भी फिसलने वाली संधि पाई जाती है। इसी के द्वारा कलाई का दुरस्त निचला जो सिरा है पांचों हथेलियों के अस्थियों से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो हमारी कलाई का जो ये सिरा देखा जाए, जो ये हमारी पांच जो अस्थियां हैं अंगुलियों से लेकर हथेली तक की, इनसे जुड़ा हुआ रहता है और आसानी से इसको फिसलने के लिए यानी कि गति करने के लिए इसमें जगह भी मिलती है। फिर है हथेली एवं अंगुली का जोड़, यानी कि जिसमें हथेली और अंगुली आपस में जुड़ी रहती हैं। इसमें कॉन्डिलॉयड प्रकार की संधि के द्वारा हथेली का सिरा आपस में जुड़कर अंगुली के पास वाले सिरे से संधि करता है, यानी कि जो हथेली का सिरा है आपस में जुड़कर जो हमारी अंगुलियां हैं इनको आपस में जोड़े रखता है, यानी कि बंद बनाए रखता है। फिर है अंगुली के बीच का जोड़, अगला जो है हमारा अंगुली के बीच, यानी कि जो अंगुलियां हैं वो आपस में जहाँ से जुड़ी रहती हैं वो जोड़। इसमें चुल संधि के द्वारा अंगुली के पास का एक सिरा दूसरे दूर के सिरे से जुड़ा रहता है, यानी कि जो अंगुली है उसका जो निचला सिरा देखा जाए वो हमारी हथेली के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि जो इसका निचला सिरा पास वाला सिरा वो हथेली से जुड़ा है और दूसरा जो दूर का सिरा है वो उसी के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब तो ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो मानव शरीर में ऊपरी शाखा के जो जोड़ हैं वो सारे ऊपरी शाखा वाले जोड़ हैं ये। अब हम पढ़ेंगे जो निचली शाखा के जो जोड़ हैं, यानी कि हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा, निचली शाखा के जोड़। ऊपरी शाखा में जो धड़ वाले जो थे हमारे शरीर के, धड़ के अगर देखे जाए तो वो सारे जोड़ आ गए हैं, यानी कि कंधे का, कोहनी का, कलाई का, हाथ का। अब जो निचली शाखा के जोड़ हैं वो अगर देखा जाए तो हमारे कमर से नीचे के जो हिस्से के जो जोड़ आते हैं, जहाँ से हमारे कुल्हे की अस्थि है, पैर की अस्थि देखी जाए, घुटने की अस्थि देखी जाए, या हमारे जो पंजे की, पैर के पंजे की जो अस्थि हैं जुड़ी रहती हैं, वो सारी अस्थियाँ जो हमारे निचली शाखा के जोड़ के अंदर आते हैं। इसमें जो पहला है वो है कुल्हे का जोड़, यानी कि जो हिप बोन जिसको कहा जाता है। कुल्हे का जोड़, इसमें गेंद और गड्ढा संधि द्वारा जांग की जो हड्डी है फीमर कुल्हे की अस्थि के एस्टिबुलम से इस तरह मजबूती में फंसा रहता है कि आसानी से घूम फिर सके, यानी कि ऐसा कहा जाए कि जो हमारे जांग वाला जो हिस्सा है, यानी कि जिसको फीमर अस्थि के नाम से जानते हैं, वही फीमर अस्थि हमारे जो श्रोणि मेखला है, श्रोणि मेखला यानी कि कुल्हे की जो अस्थि है वहाँ से जुड़ा रहता है और आसानी से मूवमेंट कर सकता है, यानी कि हम हमारे पैर को, जांग वाले हिस्से को आगे पीछे की ओर पूरी तरीके से गति कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट की ओर गति नहीं करता है, सिर्फ आगे और पीछे की ओर गति कर सकता है। इसमें तंतुमय उपास्थि प्रकार के संधिबंध के द्वारा जांग की अस्थि फीमर कुल्हे की अस्थि हिप बोन से बंधी हुई रहती हैं। जो कुल्हे की अस्थि हिप बोन यानी कि जो श्रोणि मेखला है वहाँ से हमारे जांग की अस्थि जुड़ी रहती हैं। फिर आता है हमारे घुटने का जोड़, यानी कि जहाँ से हमारे घुटने जो हैं वो जिस अस्थि के द्वारा जुड़े रहते हैं उसको घुटने की अस्थि के नाम से या घुटने के जोड़ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है
अब घुटना अगर देखा जाए तो एक कटोरी नुमा संरचना के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम अपने हाथ लगा के घुटने की अस्थि को महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर एक कटोरी नुमा संरचना पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है। वो एक बहुत ही बारीक क्लिप की जैसी संरचना होती है वहाँ पर, जिसके माध्यम से वो जुड़ी हुई रहती है। और अगर देखा जाए तो हम अपने घुटने से लेके जो हमारे नीचे वाला जो पैर का हिस्सा है उसको आसानी से मोड़ सकते हैं और आगे की ओर कर सकते हैं, उसको लेफ्ट राइट की ओर भी थोड़ा सा मोड़ सकते हैं हम। तो ये जो सारी गति है वो घुटने का जो जोड़ स्थान है जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है उसी के माध्यम से हो पाता है। अन्यथा अगर जैसे कि यहाँ पर नहीं पाया जाएगा ये जोड़, तो हमारे घुटने को हिलाना या पैर को वहाँ से मोड़ना संभव नहीं होगा। अब जैसे हम सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या चल रहे हैं या बैठना है हमको, या फिर जैसे कि हम आधे पैरों को मोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो ये सारा जो गति होती है वो घुटने की इसी संधि जोड़ की वजह से होना संभव होता है। अब जो घुटने का जो जोड़ स्थान है वहाँ पर एक द्रव भी पाया जाता है जिसको स्नेहक द्रव भी हम कह सकते हैं। ये स्नेहक द्रव जो है हमारे घुटने की अस्थियों को गति प्रदान करता है, साथ में एक तरल के रूप में कार्य भी करता है, जिसकी वजह से कोई भी अंग आपस में रगड़ ना खाए, या यूँ कहा जाए कि जो घुटने की अस्थियां हैं वो आपस में फीमर के साथ में रगड़ नहीं खाती है और उसमें एक चिकनाहट बनी रहती है, जिसकी वजह से अस्थियां स्वस्थ बनी रहती हैं। अब इसमें घुटने का जो जोड़ है वो चुल संधि द्वारा जांग की दोनों कॉन्डाइल्स टीबिया की सुपीरियर सतह से जुड़ा रहता है। टेहुने की हड्डी पटेला फीमर की चिकनी सतह से संधि करता है, जिससे कि हड्डी परस्पर फिसल सके, यानी कि आपस में गति कर सके, उसको किसी भी प्रकार की कोई रगड़ नहीं हो पाती है। अब जो हमारे घुटने का जोड़ है, एक बार उसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं।
जो पैर की अस्थि है जैसे कि फीमर, ये फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि अगर देखी जाए तो वो सबसे बड़ी अस्थि फीमर ही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है तो वो फीमर है। जो ऊपरी जो ये हमारे जांघ वाला जो हिस्सा रहता है वो इस तरीके से जुड़ा है और बीच में यहाँ पर एक सिनोवियल जो बंद है इनके बीच में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे वाला हमारा पैर का हिस्सा है या जिसको टीबिया फिबुला के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे टीबिया फिबुला दो अस्थियाँ पाई जाती हैं जो हमारे पैर की नीचे वाले पैर के हिस्से की जो अस्थियाँ रहती हैं, ये इस एक बंद के माध्यम से हमारे या फिर यूँ कहा जाए कि कटोरी नुमा यहाँ पर एक संरचना है जो बिल्कुल बहुत ही बारीक से क्लिप के माध्यम से टीबिया और फिबुला और फीमर को एक दूसरे से जुड़े रखने का कार्य करती है। इसी जोड़ की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं और हमारा जो घुटना है वो गति करता है ताकि उसको घुटने को मोड़ने में, हमको सीढ़ियाँ चढ़ने में, चलने में आसानी रहती है। और इनके बीच में एक जो स्नेहक द्रव है वो इस जगह पाया जाता है, इस जो खुले स्थान पर, जो कि उनको एक तरीके से देखा जाए तो तरलता प्रदान करता है, चिकनाहट देता है, या यूँ कहा जाए कि मशीन में जिस तरह से ग्रीस ऑयल का काम करता है या ग्रीस ऑयल जो है उसमें उसको सही प्रकार से कार्य करने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही यहाँ पर भी स्नेहक द्रव जो है उनको सही प्रकार से कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो घुटने की अस्थि जब हम बैठना चलना का कार्य करते हैं तो इसी जोड़ की वजह से आसानी से गति कर पाती है। अगला जो हमारा जोड़ है वो है टीबिया फिबुलर जोड़। ये जोड़ अचल संधि द्वारा जुड़ा रहता है। अचल संधि जो किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करती है, यानी कि जो टीबिया और जो फिबुला जो आपस में पाई जाती हैं, ये दोनों अस्थियों को जोड़े रखने का कार्य टीबिया फिबुला जोड़ जो है वो करते हैं। फिर है घुट्टी का जोड़। घुट्टी का जो जोड़ है इसमें चूलदार संधि के द्वारा टीबिया का निचला सिरा जो है तलवे की हड्डी के द्वारा जुड़ा रहता है। घुट्टी का जोड़ यानी कि जो हमारा पैर का जो तलवा है जिसके माध्यम से हम चलते हैं, वो तलवा जो हमारी टीबिया जो अस्थि है पैर की उसके द्वारा आपस में जुड़ा रहता है और इन दोनों को जोड़े रखने का जो स्थान है उसको घुट्टी का जोड़ के नाम से जानते हैं। फिर आती है हमारे पैर का जो तलवा है उस तलवे से जुड़ी हुई अंगुलियों का जोड़। ये आपस में फिसलने वाली जोड़ के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये आपस में गति प्रदान करने वाले जोड़ के माध्यम से जुड़े हैं। तो हमारे जो दो हमने अभी तक पढ़े थे जोड़, पहला कुल्हे का जोड़, दूसरा घुटने का जोड़, और जो तीसरा इसका जोड़ था वो था हमारा टीबिया फिबुलर जोड़। जो टीबिया फिबुला अस्थि को जोड़ता है, अगला जो था घुट्टी का जोड़। और जो फिफ्थ हमारा था वो था हमारे तलवे और पैर की जो अंगुलियों को जोड़ने वाला जोड़, यानी पैर की अंगुलियों का जोड़। तो हमने अभी तक जो हमारे संधि तल पढ़े उसमें दो तरह के संधि तल पढ़े। पहला था हमारे मानव शरीर में विभिन्न जोड़ जो कि दो भागों में बटे हुए हैं, ऊपरी शाखा के जोड़, और जो दूसरा था वो था निचली शाखा के जोड़। ऊपरी शाखा के जोड़ों को चार पांच भागों में बटा है। पहला है कंधे का जोड़, फिर था कोहनी का जोड़, और तीसरा है रेडियो अल्नर जोड़, यानी कि जो हाथ की यहाँ की जो अस्थि रहती है रेडियो और अल्ना। फिर रहता है कलाइयों का जोड़, और उसके बाद था पांचवा अंगुलियों का जोड़। अंगुलियों के जोड़ में यानी कि हथेली से जब जुड़ाव होता है तो उसको भी और भागों में बांटा गया है। पहला है कलाई की अस्थियों के बीच का जोड़, यानी कि जो कलाई है उसमें भी दो अस्थियां आमने सामने पाई जाती हैं, तो उनके बीच का जोड़। फिर कलाई और हथेली का जोड़, यानी कि कलाई को हथेली से बांधे रखने वाला जोड़। फिर था हथेली और अंगुली का जोड़, यानी कि जो हमारी हथेली है और जो अंगुली है इन दोनों को आपस में जहाँ से जोड़ा जाता है वो जोड़। फिर है अंगुलियों के बीच का जोड़, यानी कि जो अंगुलियां हैं इनके बीच में आपस में भी कहीं जोड़ पाए जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है अंगुली के बीच का जोड़।
तो ये तो था हमारे धड़ का ऊपरी जोड़, जहाँ से शरीर में विभिन्न मूवमेंट के लिए या हाथ पैरों को, हाथ को या कंधे से अस्थियों को जो घुमाने वगैरह के जो जोड़ पाए जाते, ताकि गति प्रदान हो सके। जो दूसरा था निचली शाखा के जोड़, उसमें है पहला कुल्हे का जोड़, जो कि श्रोणि मेखला से फीमर अस्थि के रूप में या जांग की अस्थि जिसको हम कहें के द्वारा जुड़ा रहता है। उसके बाद था घुटने का जोड़, जो कि टीबिया फिबुला और फीमर अस्थि को जोड़े रखता है, यानी कि जहाँ से घुटने में कटोरी नुमा एक संरचना पाई जाती है जो कि इन दोनों अस्थियों को आपस में बांधते हैं। फिर था टीबिया फिबुलर जोड़, यानी कि जो टीबिया और फिबुला अस्थि को आपस में बांधे रखते हैं वो जोड़। फिर एक घुट्टी का जोड़, यानी कि जहाँ से टीबिया फिबुलर जोड़ जो घुट्टी वाले स्थान से जहाँ पर जुड़ती है, और जहाँ पे पैर का जो हमारा तलवा है वो भी आकर जुड़ता है, यानी कि ऐसा कहा जाए कि टीबिया फिबुलर अस्थि और जो तलवे हैं दोनों को जोड़ने वाला स्थान, जहाँ से हमारा पैर का तलवा नीचे की ओर जुड़ता रहता है। फिर पैर की अंगुलियां, यानी कि जो तलवे से जुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, जहाँ से अंगुलियां आपस में जुड़ रही हैं, वो दोनों स्थान जो रहते हैं वो आते हैं हमारे पैर की अंगुलियों के जोड़ के रूप में। तो आज अभी तक अभी हमने ये देखा कि हमारे कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं। अब अगर देखा जाए तो ये अस्थियां जैसे हैं, तो हमारे मस्तिष्क को भी कुछ अस्थियां आपस में घेरे रहती हैं, या यूँ कहा जाए कि मस्तिष्क को भी एक आवरण बनाए रखती हैं। तो उस मस्तिष्क को जैसे खोपड़ी के माध्यम से ढका हुआ रखता है, तो वहाँ पर भी कुछ अस्थियाँ वगैरह पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, जहाँ पे उनको अस्थियों के माध्यम से उसको सुरक्षित रखा जाता है, या मस्तिष्क का जो कार्य है उसके बारे में। वैसे अगर मस्तिष्क को हमारा सबसे बड़ा, अगर जैसे कि कहा जाए कि मेन जो संचालन का कार्य हमारे शरीर का जो पूरा करता है वो मस्तिष्क ही है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो मस्तिष्क हैं, विभिन्न सूचनाओं को, जहाँ से हमें कोई भी दर्द वगैरह हो रहा है या किसी भी तरह की कोई संवेदना है, जब वो मस्तिष्क तक पहुँचती है तो वापस मस्तिष्क से प्रत्युत्तर के रूप में हमें एक सूचना प्राप्त होती है, और वो सूचना उस अंग विशेष तक पहुँचाने का कार्य जो होता है मस्तिष्क के द्वारा होता है। क्योंकि मस्तिष्क में जैसे कई तरह की तंत्रिकाएँ देखा जाए, या फिर जैसे कि संवेदनाओं को ले जाने वाली तंत्रिका तंत्र कहे, वो पाया जाता है, जो कि उन सूचनाओं को ले जाता है। अगला हमारा टॉपिक है मस्तिष्क। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका वजन जो है हमारे पूरे शरीर का 1/50 भाग जो है शरीर का 1/50 भाग इसका वजन रहता है, यानी कि मस्तिष्क का जो वजन है पूरे शरीर का 1/50 भाग है। मस्तिष्क कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है, या यूँ कहा जाए कि जो हमारी खोपड़ी की अस्थियां हैं या कपाल की जो अस्थियां हैं, उस गुहा में, उस पिंजरे के अंदर जो है मस्तिष्क है सुरक्षित रूप में पाया जाता है। अब अगर मस्तिष्क में देखा जाए तो हमारे बुद्धि का, हमारे सोचने समझने की क्षमता का, स्मरण शक्ति का, वाक्पटुता का, और जैसे सीखने की, सोचने की क्षमता का जो होता है निर्धारण होता है, इसी के द्वारा हम सभी डिसीजन ले सकते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न भागों से सूचनाएं पहुंचती हैं, और मस्तिष्क उन सूचनाओं के आधार पर हमें आदेश भेजता है। मस्तिष्क आकार में बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए जो मस्तिष्क का जो आकार है बहुत बड़ा है, लेकिन एक निश्चित आकार लिए हुए नहीं है, वो अनिश्चित आकार में है। यह एक खोखले आवरण या खोल या आवरण से आवरित रहता है, यानी कि ढका रहता है, जिसे तनिका या मस्तिष्क आवरण कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क जो है जिस आवरण के द्वारा ढका रहता है उसको मस्तिष्क आवरण कहा जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मस्तिष्क है वो आपस में ढका रहता है, यानी कि उसको ढके रखने का कार्य होता है। इसे तनिका द्वारा सुषुम्ना भी अवशिष्ट रहता है। यही आवरण मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की चोटों, आघातों, दुर्घटना आदि से रक्षा करता है, यानी कि जो मस्तिष्क का आवरण है ये मस्तिष्क को चोट, दबाव
आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एक आवरण देता है जिससे उसको किसी भी प्रकार की कोई आघात ना हो। इसके साथ ही मस्तिष्क एवं सुषुम्ना को पोषक पदार्थ भी प्रदान करता है। मस्तिष्क का आवरण तीन स्तरों का बना, यानी कि जो मस्तिष्क का जो आवरण है इसके तीन स्तर हैं। जो तीन स्तर हैं वो पहला इसके अंदर तीन भागों में इसे बटा रहता है। पहला है दृढ़ तनिका, जो कि इसको दृढ़ता प्रदान करती है। जो दूसरा है वो है जाल तनिका, और जो तीसरा इसके अंदर है वो है मृदु तनिका। मृदु तनिका यानी कि जो बहुत ही सॉफ्ट वाला इसका जो भाग रहता है एकदम, उसको कहा जाता है। पहला हम पढ़ेंगे दृढ़ तनिका के बारे में। यह मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण है। अगर मस्तिष्क का बाहरी आवरण देखा जाए तो वो थोड़ा कठोर रहता है, जो कि मस्तिष्क के जो कोमल अंदर की तरफ का जो हिस्सा है उसको चोट आघात लगने से बचाता है। या यूँ कहा जाए कि जो दृढ़ तनिका है वो कपालअस्थियाँ भी के रूप में भी जान सकते हैं। कपालअस्थि यानी कि कपाल वाले हिस्सा जो है वो और दृढ़ तनिका होता है, जिसके अंदर मस्तिष्क ठीक नीचे की ओर ढका बना रहता है। यह आवरण भी दो स्तरों का बना है। इसका ऊपरी स्तर पेरिओस्टियम कपालअस्थियों की आंतरिक सतह से सटा रहता है, और जो इसका निचला स्तर है वो कोमल मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि जो मस्तिष्क का जो अंदर वाला जो हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा जो कोमल रहता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का ये कार्य करता है। यह दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ रहता है। दृढ़ तनिका जाल तनिका से बिल्कुल ही सटा नहीं होता है, यानी कि जो दृढ़ तनिका है और जाल तनिका है ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इनके बीच में थोड़ी जगह पाई जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच में एक अवकाश रहता है, यानी कि जगह पाई जाती है, स्पेस रहता है, जिसे हम सब ड्यूरल अवकाश के नाम से भी जानते हैं। जिसको जो बीच में गैप है उसको सब ड्यूरल अवकाश यानी कि स्पेस भी कह सकते हैं। इसी स्थान में सिरमी तरल भरा रहता है। यह सिरमी तरल जाल तनिका और दृढ़ तनिका को चिकना एवं नम बनाए रखता है, यानी कि जो दृढ़ तनिका और जो जाल तनिका है इनके बीच में एक स्थान रहता है, उसके बीच में सिरमी द्रव पाया जाता है। वो जो सिरमी द्रव है इन दोनों को नरम बनाए रखता है, और यानी कि नम बनाए रखता है, जो कि इनको थोड़ा सॉफ्टनेस लिए रहती है। अगला जो हमारा है वो है जाल तनिका, जो दृढ़ तनिका के नीचे की तरफ रहता है। यह स्तर दृढ़ तनिका और मृदु तनिका के बीच उपस्थित रहता है। यह दृढ़ तनिका की अपेक्षाकृत कम कठोर, पतला और कोमल रहता है, यानी कि जो जाल तनिका है वो कोमल रहती हैं। अगर देखा जाए तो वो दृढ़ तनिका की अपेक्षाकृत थोड़ी कोमल है, लचीली है और थोड़ी पतली रहती हैं। जो ये जाल तनिका है ये पतले आच्छादक एवं लचीले जो संयोजी ऊतक होते हैं उनके बने होते हैं। जाल तनिका एवं मृदु तनिका दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते हैं, यानी कि जो जाल तनिका है मृदु तनिका है इनके बीच में भी एक स्पेस पाया जाता है, जिसे कि अधो जाल तनिका स्थान के नाम से जानते हैं। इनके बीच में पाया जाने वाला स्थान जो है अधो जाल तनिका स्पेस के रूप में इनको जाना जाता है, यानी कि इनके बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं। इसमें भी एक तरल द्रव भरा रहता है जिसको प्रमस्तिक मेरु तरल के नाम से पहचानते हैं। इनके बीच का जो तरल है वो है प्रमस्तिष्क मेरु तरल। अब इसके बाद आता है हमारा मृदु तनिका। मृदु का मतलब होता है कि कोमल, यानी कि नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि मृदु यानी कि जो बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है। यह मस्तिष्क के आवरण का सबसे भीतरी स्तर कहा जा सकता है, जो कि जाल तनिका के ठीक नीचे की ओर उपस्थित रहता है। यानी कि सबसे पहले ऊपर की ओर है दृढ़ तनिका, दृढ़ तनिका के अंदर है जाल तनिका, और जाल तनिका के ठीक नीचे पाया जाता है मृदु तनिका। यानी कि यूँ कहा जाए कि जाल तनिका के नीचे पाया जाने वाला जो स्थान है वो मृदु तनिका है। यह मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी से बिल्कुल सटी रहती हैं। इसका जो स्थान है मृदु तनिका का वो मस्तिष्क, और जो हमारे मस्तिष्क के साथ में सुषुम्ना नाड़ी है उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि मृदु तनिका जुड़ी हुई रहती हैं।
इसमें कहीं कहीं मस्तिष्क तंतु के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। इसके बीच में जो मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो इसमें कुछ स्थान तक प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि इसके अंदर तक पाए जाते हैं। कहीं इसमें आवरण में रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछा हुआ रहता है। मृदु तनिका के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ हैं उन रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछा रहता है जो कि इसमें रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। और इसमें मस्तिष्क को और मेरुरज्जु या सुषुम्ना नाड़ी को पोषक तत्व या ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। अब जो रक्त वाहिनियाँ हैं जो कि मृदु तनिका के अंदर जाल के रूप में फैली हैं, उन रक्त वाहिनियों का कार्य होता है रक्त के साथ में पोषक तत्व और जो भी हैं पोषक तत्वों को और जो इनको आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है और जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को यह हमारे मृदु तनिका वाले हिस्से में सप्लाई करती है, यहाँ तक पहुँचाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मस्तिष्क है उसको नियमित समय पर पोषक तत्व जो हैं वो और उनके अलावा ऑक्सीजन वगैरह जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो समय समय पर मिलती रहती हैं। अब जो अगर हमारा सबसे पहले अगर देखा जाए मस्तिष्क की जो संरचना है उसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है जैसे कि दृढ़ तनिका यानी कि कपाल के रूप में भी इसको जानते हैं, इसको कपाल गुहा भी हम कह सकते हैं। इसी कपाल गुहा के अंदर की जो संरचना रहती है उसके अंदर प्रमस्तिष्क पाया जाता है। कपाल गुहा के ठीक नीचे की ओर प्रमस्तिष्क की जो संरचना रहती है उसके अंदर दो निलयों के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर एक पार्श्व निलय पाया जाता है। और उसके बाद में जो हमारे जो मस्तिष्क का जो आवरण है यानी कि जो कपाल वाला जो दृढ़ तनिका का जो आवरण है उसके नीचे की ओर जो हमारा एक आवरण पाया जाता है जिसको जाल तनिका के रूप में कहते हैं, जो कि इसको जाल के रूप में इसमें फैली हुई रहती हैं। उसके ठीक नीचे अंदर की ओर मृदु तनिका जो इस तरीके से आकार को ग्रहण किए हुए रहती हैं और उसी के अंदर जो रहता है अनुमस्तिष्क वाली संरचना पाई जाती है। और इनमें जो नीचे की ओर जो मस्तिष्क का जो हिस्सा रहता है हमारे गर्दन की और पीछे की तरफ जो जुड़ा रहता है वो सुषुम्ना शीर्ष और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक बार हम मस्तिष्क की जो संरचना है उसको देख लेते हैं। ये जो है कपाल गुहा या दृढ़ तनिका और इसकी जो ठीक अंदर की तरफ जो संरचना पाई जा रही है वो है जाल तनिका। और इनके अंदर की जो संरचना है वो इस तरीके की होती है। ये जो है हमारी मृदु तनिका
जो बहुत ही सॉफ्ट वाला हिस्सा जो रहता है, फिर है सुषुम्ना शेष नाड़ी, उसके अलावा जो हिस्सा है सुषुम्ना शेष और ये जो हमारा हिस्सा रहता है ये है अनुमस्तिष्क और ये हमारा जो ऊपरी हिस्सा है वो है प्रमस्तिष्क और ये जो यहाँ का जो हिस्सा रहता है वो है पार्श्व नील। इसके अंदर की जो ये जाल तरीका है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि मस्तिष्क जो तीन स्तरों में बटा है, यानी कि जो सबसे बाहरी स्तर कपाल गुहा या दृढ़ तरीका, उसके अंदर का जो स्तर है वो जाल तरीका जो जाल के रूप में फैली है, और फिर उसके ठीक अंदर के जो जो सबसे कोमल हिस्सा जो हमारा रहता है मस्तिष्क का वो है मृदु तनिका, और उसके अलावा जो मस्तिष्क में ऊपरी हिस्से के रूप में यहाँ जो प्रमस्तिष्क की संरचना पाई जाती है, और जो मस्तिष्क का जो पीछे वाला हिस्सा है जो कि हमारे गर्दन के पीछे की ओर जुड़ा रहता है सुषुम्ना नाड़ी और सुषुम्ना शेष के रूप में पाया जाता है, जो कि हम किसी भी तरह का कोई भी संवेदनाएँ वगैरह जो होती हैं वहीं से पार्श्व तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुँचती है, और मस्तिष्क जो है वो उन सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात वापस प्रति उत्तर के रूप में एक सूचना पहुँचाता है, जो उन तंत्रिकाओं के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का जो हिस्सा है जहाँ पे भी कोई भी चोट दर्द वगैरह जो सूचनाएं होती हैं वहाँ पर ले जाकर छोड़ दी जाती हैं, और उन सूचनाओं को वापस अनुभव करके हम वापस प्रति उत्तर के रूप में वहाँ से हमारे हाथ पैर को जो भी दर्द वगैरह जो रहता है उस चीज़ से वहाँ से हटाने का कार्य करते हैं। अब जैसे मस्तिष्क है तो ये मस्तिष्क भी जो है ना अंदर की तरफ से अगर देखा जाए तो अनियमित रूप से चार भागों में बटा हुआ रहता है या चार गुहा के रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रकोष्ठ यानी कि जो कुछ कक्ष पाए जाते हैं जिनको निलय के रूप में भी जानते हैं, इन्हीं निलय के अंदर जाकर देखा जाए तो हमारे प्रमस्तिष्क जो है मेरु तरल के रूप में भरा रहता है, और यह प्रमस्तिष्क मेरु तरल जो है निरंतर बहता रहता है, यानी कि एक बार गति करता ही रहता है, और इसी गति के अंदर मस्तिष्क इसी तरल के अंदर मेरु प्रमस्तिष्क जो तरल है उसके अंदर मस्तिष्क वाला जो हिस्सा है हमारा हमेशा डूबा हुआ रहता है और उसके अंदर सुरक्षित रहता है। ये जो चारों नीले होते हैं वो भी चार तरह के हैं, जैसे कि दायां और बायां पार्श्व नीले, उसके अलावा तृतीय नीले और जो चतुर्थ नीले हैं उसके रूप में पाए जाते हैं। अब जो इसमें दो ऊपर की और दो नीचे की और नीले के रूप में संरचना पाई जाती है, जो दायां नीले हैं वो दोनों ही नीले प्रमस्तिष्क में उपस्थित रहते हैं, यह अंग्रेजी के सी अक्षर की जैसी कि गुहा के रूप में होते हैं, यहाँ गुहा तृतीय नीले से अंतरा नीले छिद्र के द्वारा जुड़ी रहती है, इनके बीच में एक अंतरा नीले छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से पार्श्व नीले जो दायां और बायां नीले हैं वो तृतीय और चतुर्थ नीलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि हमने हृदय की संरचना में पढ़ा था कि उसमें भी चार कक्ष पाए जाते हैं, दो आलिंदों की व्यवस्था होती है और दो नीले की, वैसे ही इसके अंदर चार नीले पाए जाते हैं जिनके बीच में भी एक कपाट कहे या एक सूक्ष्म छिद्र कहे के रूप में पाया जाता है, जो कि इनके बीच में आवागमन के कार्य को निर्धारित करता है। जो तृतीय नीले है यह पार्श्व नीले के ठीक नीचे थैलेमस के दोनों भागों के बीच में अवस्थित पाया जाता है, ये अवस्थित यानी कि उसके बीच उपस्थित है। थैलेमस एक ग्रंथि है जो कि थैलेमस के पास में ये दोनों पाए जाते हैं। इसका संबंध चतुर्थ नीले से एक नलिका के द्वारा होता है, यानी कि जो तृतीय नीले है उसका जो संबंध है वो चौथे नीले के द्वारा होता है, वो एक बारीक पतली नलिका के माध्यम से रहता है। फिर आता है हमारा जो चतुर्थ नीले, ये नीले जो है अनुमस्तिष्क के सामने और जो सुषुम्ना शीर्ष होती हैं और सेतु के पीछे की तरफ पाया जाता है, और तृतीय नीले के नीचे और पीछे की ओर ये उपस्थित रहता है। इसमें अधोजाल तनिका का अवकाश के रूप में या एक छिद्र के रूप में इसमें एक संपर्क बनाए रखी जाता है, जिससे कि कोई भी कार्य है वो आसानी से इसमें हो पाता है, और इसी छिद्र से जो प्रमस्तिष्क से जो तरल है मेरु तरल है वो अधोजाल तनिका में जाता है, और वो इन निलयों के बीच में इनके बीच में इसका आवागमन आसानी से हो पाता है।
यूँ कहा जाए कि प्रमस्तिष्क मेरुतरल में प्रत्येक नीले की रक्त वाहिनियाँ जकोजाल जो हैं वहाँ होता है, जो कि वहाँ पर स्त्रावित होकर तथा छनकर बनता रहता है। यहाँ पर इसकी मात्रा मस्तिष्क के उन स्थानों पर अधिक होती है जहाँ नीले की दीवार पतली होती है। रक्त वाहिनियों से ये जो नीले की दीवारें हैं वो रक्त वाहिनियों के साथ में जुड़ी रहती हैं, क्योंकि रक्त वाहिनियों का कार्य है रक्त को लाना ले जाना, जो कि हमारे नीले के अंदर पोषक तत्वों को पहुंचाकर उनका पोषण का कार्य भी करती हैं। एक स्वस्थ अगर वयस्क के शरीर में अगर देखा जाए तो प्रमस्तिष्क तरल की जो मात्रा होती है वो लगभग 150 मिलीलीटर के करीब होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, टेंशन, तनाव वगैरह, चिंताएं नहीं हैं, स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रमस्तिष्क तरल की जो मात्रा है वो 150 मिलीलीटर होती है। यह निरंतर 0.5 ml प्रति मिनट की दर से स्रावित होता रहता है, यानी कि बहता रहता है। इस तरह एक दिन में अगर देखा जाए तो 720 मिलीलीटर के करीब प्रमस्तिष्क मेरु तरल जो है वो उसका स्रावण हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। इसमें लगभग 150 मिलीलीटर तक इसकी मात्रा मस्तिष्क में उपस्थित रहती हैं और बाकी सारा द्रव जो है मस्तिष्क के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अगर प्रमस्तिष्क मेरु तरल का अगर संगठन देखा जाए तो उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों की उसमें जो मात्रा रहती है वो निश्चित रहती है। जैसे कि कुछ तत्व हैं ग्लूकोज वगैरह के रूप में इसके प्रमस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं, प्रमस्तिष्क मेरु तरल के अंदर पाए जाते हैं। जो पहला जो तरल है वो तरल के अंदर जो पहली मात्रा है वो है ग्लूकोज। प्रमस्तिष्क मेरु तरल में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो है 40 से 60 mg/min रहती है। और उसके बाद जो दूसरी इसके अंदर की जो मात्रा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है 20 से 30 mg/min पाया जाता है। फिर है तीसरा इसके अंदर यूरिया, यूरिया की जो मात्रा है 10 से 30 mg/min के रूप में है। फिर इसके अंदर जो चौथा तत्व पाया जाता है वो है क्लोराइड। क्लोराइड जो है 700 से 800 mg/min के रूप में इसमें पाया जाता है। यानी कि अगर प्रमस्तिष्क मेरु तरल जो है उसकी जो संगठन है इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा है 40 से 60 mg के करीब। दूसरी इसमें जो रहती है प्रोटीन की मात्रा है 20 से 30 mg के करीब। और जो तीसरा इसके अंदर पाया जाता है यूरिया, यूरिया की जो मात्रा रहती है 10 से 30 mg के करीब। और जो चौथा है इसमें क्लोराइड है वो है 700 से 800 mg के करीब। यानी कि इसके अंदर इसके अलावा जो अन्य तत्व भी हैं वो हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम के सल्फेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, फास्फेट, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन भी इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर पाए जाते, कम मात्रा है लेकिन वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मस्तिष्क शोध में रोग में इस तरल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जो मस्तिष्क का आवरण है उसके अंदर जब अगर देखा जाए अगर किसी रोग की स्थिति है हमारे शरीर में तो ऐसी स्थिति में जो इस तरल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो मेरु तरल का जो प्रमस्तिष्क मेरु तरल का जो दबाव है वो मस्तिष्क पर पड़ता रहता है और तेज़ बुखार वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। यानी कि व्यक्ति को तेज़ बुखार अगर देखा जा सकता है। जो प्रमस्तिष्क मेरु तरल के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे, यह मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। यानी कि ये एक तरल के रूप में पाया जा रहा है जो कि जो भी बाहरी आघात वगैरह जो हमारे मस्तिष्क तक जो सीधे पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये फ्लो के रूप में वहाँ पे बहता रहता है। और जिसकी वजह से ये देखा जाए तो ये एक सुरक्षा का आवरण के रूप में उन अंगों को सुरक्षित भी रखता है और सॉफ्ट बनाए रखता है, ताकि बाहरी आघातों से सीधा दबाव इनकी ओर नहीं पहुँचा पाता है। यह समस्त मस्तिष्क में एक समान दाब को बनाए रखते हैं, यानी कि एक समान नियमित रूप से ये बहते हैं और एक फ्लो को लेके बहते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में एक समान दाब को ये बनाए रखते हैं।
फिर मस्तिष्क तथा कपालस्थि के बीच में संताप अवशोषक तथा गद्दी की तरह कार्य करते हैं। अब जो ये प्रमस्तिष्क मेरुकरण है, यह मस्तिष्क और जो कपाल की जो हमारी अस्थियां हैं इनके बीच का जो ताप है उसको एक नियमित ताप के रूप में बनाए रखते हैं, यानी कि अतिरिक्त ताप होने पर उसको अवशोषित करके उस ताप को समान रूप से दोनों अंगों के बीच में बांट देते हैं और उसका ताप जो है एक नियमित रूप से नियंत्रित करके ये रखते हैं। प्रमस्तिष्क मेरु तरल में भी ही मस्तिष्क और मेरुरज्जु तैरते रहते हैं, यानी कि जो हमारा प्रमस्तिष्क मेरु तरल है उसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क वाला जो हिस्सा है वो और मेरुरज्जु जो है वो उसके अंदर तैरते हुए रहते हैं, यानी कि फ्री अवस्था में उसके अंदर पाए जाते हैं। यह मस्तिष्क को पोषक तत्व देते हैं। अब जो पोषक तत्व हैं जो रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचते हैं, वो रक्त वाहिनियों का जाल प्रमस्तिष्क मेरु तरल से भी जुड़ा हुआ रहता है। जो पोषक तत्व रक्त वाहिनियाँ रक्त के माध्यम से ला रही हैं वो उस मेरु तरल के अंदर छोड़ देती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो पोषक तत्व देखे जाए या फिर ऑक्सीजन गैस जो देखी जाए वो हमारे मस्तिष्क के हिस्से में पहुँचाई जाती है और उनका पोषण किया जाता है। और उसी के साथ में जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे मस्तिष्क के आसपास वहाँ पाए जाते हैं वहाँ से उनको वापस अवशोषित भी करती हैं और रक्त वाहिनी के माध्यम से वापस उनको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा भी करते हैं। अब जो ये तरल पाया जाता है इस तरल के अंदर प्रमस्तिष्क मेरु तरल के अंदर एक सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता भी पाई जाती है या एंटीबॉडीज़ भी पाए जाते हैं, जो यूँ कहा जाए कि आने वाले सूक्ष्म जीव या हानिकारक जो जीवाणु हैं उनका भक्षण कर देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं ताकि उनकी मात्रा को वो वहाँ से निकाल देते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी रोग है बीमारी वगैरह जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुँचने से रोकते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो वो सूक्ष्म जीव हैं उनको हमारे मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त होने से रोकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने नहीं देते हैं। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के डायग्नोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ में ही ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए भी अपने अहम रूप से अपनी भूमिका देते हैं। फिर है तानिका शोथ, यानी कि नामक रोग जो है इसी तरल द्रव्य की मात्रा सबसे अधिक रहती है। इसके अंदर जो तानिका शोथ है जो रोग नामक जो रोग है उसके अंदर इस तरल की मात्रा जो है बहुत अधिक रहती है, जो कि उस रोग को होने से और हमारे शरीर में फैलने से रोकती है। तो यूँ देखा जाए कि जो प्रमस्तिष्क तरल है वो हमारे शरीर में यानी कि हमारे जो मस्तिष्क में पूरी तरीके से पोषण करने का कार्य करता है, साथ में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। और जो मस्तिष्क है उसको एक निश्चित आवरण के रूप में वहाँ पर ढके रहता है और उसको किसी भी प्रकार की चोट वगैरह हैं या दबाव है धक्के हैं इन सभी से बचाव करता है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मस्तिष्क के भाग, यानी कि जो मस्तिष्क की बनावट है वो किस तरीके से बटी हुई है, कितने भागों में बटी हुई है। अगर देखा जाए तो अगर मस्तिष्क जो है हमने अखरोट की संरचना सभी ने देखी होगी, जब हम अखरोट को खोलते हैं कवर से निकालते हैं जो उसके अंदर का जो हिस्सा हमको दिखाई देता है सेम उसी के समान हमारे मस्तिष्क का भी एक निश्चित आकार है, संरचना लिए हुए रहता है, उसी के समान की जो बनावट है वो मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क अगर देखें तो एक कोमल अंग है जो कि हमारी कपाल गुहा के अंदर जो है कि पाया जाता है। अब यही मस्तिष्क हमारे शरीर का टोटल हमने पहले पढ़ा था कि 1/50 भाग का जो हमारे शरीर का जो वजन है उसका 1/50 भाग जो है वो इसका रहता है, यानी कि इतना वजन इसका है। मस्तिष्क मस्तिष्क का आवरण से ढका हुआ रहता है। अभी हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का आवरण के माध्यम से ढका हुआ रहता है। मस्तिष्क का आवरण को हटाने पर देखें अगर तो मस्तिष्क का जो रंग है वो दूसरे रंग का दिखता है, पीले पीले पदार्थ से बना हुआ हमको दिखाई देता है और इसके ऊपर जैसे हमको बहुत तरह की दरारें देखी जाए तो वो देखने पर उभार देखने पर हमको मिलते हैं। इन दरारों को अगर देखा जाए तो फीसर और उभारों को मेड के नाम से जानते हैं, यानी कि उसके अंदर जो हमको धारियाँ या दरार दिखाई दे रही हैं उसको फीसर कह सकते हैं और उनके ऊपर जो उभार देखे जा रहे हैं उनको हम मेड के नाम से जानते हैं।
अब जो मस्तिष्क है इसके भी तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रपश्चिम मस्तिष्क, यानी कि जो मस्तिष्क है वो तीन भागों में बटा हुआ है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी तक का आपको जो भी मस्तिष्क के जो संगठन वगैरह परंपरा मस्तिष्क के बारे में जो भी पढ़ाया है उसके बारे में कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।